नमस्कार। आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा बताऊंगा कि सेंट्रल डोगमा यानी केंद्रीय सिद्धांत क्या है, इसके कौन कौन से चरण हैं, ये किसने प्रतिपादित किया गया था। जैसे टाइटल के नीचे लिखा हुआ है, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ही सेंट्रल डोगमा की व्याख्या की थी। ये वाटसन के साथ मिलकर डीएनए का जो मॉडल प्रतिपादित हुआ था उसमें भी सहयोगी रहे। तो आइए जानते हैं सेंट्रल डोगमा क्या है। सेंट्रल डोगमा शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ही 1958 में किया गया था। इन्होंने और वाटसन ने मिलकर 1953 में डीएनए का मॉडल प्रतिपादित किया। और यह सेंट्रल डोगमा है वो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के अणुओं के मध्य अंतर संबंधों को समझाता है। और यह वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए में संग्रहित सूचनाएं हैं वो क्रियात्मक उत्पादों में यानी प्रोटीन्स में रूपांतरित होती है। और फ्रांसिस क्रिक ने, यह एक दिशीय प्रवाह है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का और इंफॉर्मेशन जो डीएनए में संग्रहित रहती है का, ये डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन के रूप में क्रियात्मक उत्पादों में रूपांतरित होती है। और ये जो परिभाषा है इसकी, इस प्रक्रिया की, तो वह दिस यूनिडायरेक्शनल सिक्वेंशियल फ्लो इज टर्म्ड एज सेंट्रल डोगमा। यानी सिक्वेंशियल फ्लो किसका? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का, जो सूचनाओं का प्रवाह है। तो यह कैसा होता है? एक दिशीय होता है और सिक्वेंशियल यानी क्रमबद्ध प्रवाह होता है, इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो आइए सेंट्रल डोगमा के बारे में आरेख के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। ये सेंट्रल डोगमा का एक आरेख के द्वारा मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए इक्वेशन बनाई है। इसमें डीएनए से डीएनए, ये जो चक्र है डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को बताता है। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन कहलाती है। और इसे डीएनए का प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा निर्देशित होती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा निर्देशित होती है। और डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं यानी अनुलेखन कहते हैं। और अनुलेखन की प्रक्रिया है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा निर्देशित होती है। ये एंजाइम और ये कौन कौन से पद है ये आपको याद करने हैं। और तीसरी जो प्रक्रिया है उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। और ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है जिसे अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं की जो साइट है, स्थान है, वो केंद्रक होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया केंद्रक में संपन्न होती है। बात कर रहा था ट्रांसलेशन और जिसे अनुवाद कहते हैं, वो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन और अनुवाद कहते हैं। और ये ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो इस आरेख के माध्यम से अपन ये आसानी से जान सकते हैं कि सेंट्रल डोगमा का जो सिद्धांत क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो क्या था। तो क्रिक ने कहा कि डीएनए का केंद्रक में ही प्रतिकृतिकरण होता है, प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। और रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की महती भूमिका होती है। डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन कहलाती है, ये भी केंद्रक में ही संपन्न होती है। तथा ये प्रक्रिया
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा निर्देशित होती है और ये आरएनए बनने के बाद में ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहां पे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये तीन चरण है, इन चरणों को मैं समराइज करने का प्रयास करता हूं मेरी अगली स्लाइड में। आप देख, सबसे पहला चरण है रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। इस चरण में डीएनए पे डीएनए का संश्लेषण होता है, एक डीएनए के स्ट्रैंड पे दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है और यह प्रक्रिया है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा निर्देशित होती है और यह प्रक्रिया है वो केंद्रक में संपन्न होती है। दूसरा जो चरण है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। अनुलेखन में आरएनए का संश्लेषण होता है, तीनों तरफ के आरएनए जैसे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण केंद्रक में ही होता है और ये प्रारंभ है वो डीएनए टेम्पलेट से होता है और इनको निर्देशित जो करने वाला एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये भी केंद्रक में ही संपन्न होती है। जो तीसरी प्रक्रिया है वो ट्रांसलेशन और अनुवाद कहलाती है, क्योंकि जो केंद्र में संश्लेषित आरएनए होते हैं वो सभी आरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और ये आरएनए जो साइटोप्लाज्म में आते हैं ये ट्रांसलेशन मशीनरी के रूप में कार्य करते हैं जो डीएनए की सूचनाओं के द्वारा क्रियात्मक उत्पाद यानी प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाया तथा डीएनए की सूचनाएं हैं वो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन में कैसे अंतर संबंध स्थापित करती है इसको भी अपने इस व्याख्यान के माध्यम से जाना। और फ्रांसिस क्रिक ने अपने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के द्वारा यही बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अणुओं में अंतर संबंध होते हैं और इन अंतर संबंधों को समझाने की जो प्रक्रिया है उसे ही उन्होंने सेंट्रल डोगमा कहा। आज के व्याख्यान में मैंने फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित सेंट्रल डोगमा को आपको बताया है, इसके विभिन्न चरण आपको बताए हैं। आगे के व्याख्यानों में इससे संबंधित और भी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।